दूसरा प्रश्न हमारा है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति 12.20 है और इसमें छायांकित भाग मतलब ये जो है ये छायांकित रंगा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी डी सी ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। आगे क्या बता रहा है समझते हैं। यदि केंद्र ओ वाले दोनों सौ केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री है। कोण ए ओ सी ये कोण देखिए 40 डिग्री का है और इसमें बताया जा रहा है सौ केंद्रीय वृत्त, तो सौ केंद्रीय वृत्त मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र पर बना एक से अधिक वृत्त। अब यही केंद्र से एक ये वृत्त छोटा वाला अंदर वाला बना हुआ है और यही केंद्र को लेकर ये बाहर वाला बना हुआ है, तो आप बताइए ये अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या छोटी होगी और बाहर वाले की त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम बड़ी और छोटी नाम दे देते हैं, बड़ी मतलब बाहर वाली या छोटी मतलब अंदर वाली। तो 7 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या होगी, ये अंदर वाले की, और 14 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या होगी, बाहर वाले की। अब आप एक बात बताइए, हमें ये छायांकित, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड, ये त्रिज्या के खंड से बना हुआ है, त्रिज्यखंड बना हुआ है, तो त्रिज्यखंड ए बी सी डी मतलब ये ए ओ सी ये बड़ा का निकालेंगे, बड़े वृत्त का निकालेंगे क्षेत्रफल, तो ये खाली भाग का भी आ जाएगा। उसके बाद छोटे वृत्त में देखिए ये है ना खाली वाला भाग, तो बड़े वृत्त बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करेंगे तो छायांकित भाग आएगा, ठीक है। चलिए हम सवाल सॉल्व करें। तो हमने देखिए लिख लिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन, बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी आर मान लिए 14 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटी आर मान लिए 7 सेंटीमीटर, कोण को थीटा मान लिए 40 डिग्री। अभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा, लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये ए ओ सी माइनस छोटे मतलब ए बी सॉरी ए ओ सी बड़े हो गया, बी ओ डी छोटे हो गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बड़े का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुना पाई, अब बड़ा है तो बड़ा के लिए हम बड़ी आर माने हैं तो पाई आर स्क्वायर, अब माइनस छोटे है तो इसका भी वही होगा थीटा बटे 360 गुना पाई, या छोटे के लिए छोटी आर माने तो आर स्क्वायर, दोनों का थीटा का मान तो वही होगा, तो थीटा बटे 360 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें समझना रह गया है, तो हम थीटा दोनों में कॉमन ले लेंगे तो थीटा बटे 360 अलग अलग भी करिएगा तो भी आ जाएगा, तो थीटा बटे 360 दोनों में मिला आ गया, पाई और पाई दोनों में है तो पाई भी ले लेते हैं, अब बचा किया बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर बचा, ठीक है। थीटा का मान कितना है 40 डिग्री है, तो 40/360 गुना पाई, पाई का मान 22/7, बड़ी आर कितना है 14 है तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस छोटी आर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 0 0 कटा, 4 9 36 नौ बार में कटा तो 22/9 आ, यहाँ 7 बचा हुआ है, कैलकुलेशन है करते हैं 22/9 गुना सात ये 22 है, इसको पावर में समझिएगा 22/9 × 7 गुना 14 का करेंगे तो 196 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 7 का करेंगे 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में ही रहेगा, घटा देते हैं तो 22/9 × 7 196 से 49 घटाते हैं, 16 से 9 गया तो 7 बचेगा, 18 से 4 जाएगा तो 14, 147 बचा, 7 से काट दीजिए 7 × 14 7 × 7 21 बचता है, तो 21 को 7 × 21 3 × 9 3 बचा, 7 को 22 से 7 × 14 का 4
बाकी एक सदुना 14 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर आया। ध्यान से देख लीजिए और ये बिल्कुल आंसर सही है और आपको हम आंसर भी मिला देते हैं। चलिए इसी बात पर आप लाइक कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए आंसर दूसरा का है 12.3 का, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आंसर आपका क्या आया है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।